ओम शांति। भट्ठी का प्रथम दिन है और प्रथम सत्र में अंतिम समय की बातें हैं। अंतिम दिन अगर अंतिम समय की बातें होती तो और अच्छा होता, परंतु प्रथम दिन पर ही प्रथम सत्र में अंतिम समय की तैयारी, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद और कुछ चाहिए क्या? उसके बाद और कुछ नहीं। तो अंतिम समय जब हम कह रहे हैं, अंतिम समय किसका? स्वयं का या दुनिया का? स्वयं का या दुनिया का? दुनिया का नहीं, दुनिया का नहीं, दोनों का, दोनों का ही अंतिम समय की बात है। और स्वयं की बात करें उसके पहले, जब दुनिया की बात करते हैं तो मैं समझती हूं कि जब हम छोटे थे, ज्ञान में आए, उस समय से ये बात सुन रहे हैं, जल्दी समर्पित हो जाओ, पढ़ाई को क्या करना है। मैं समझती हूँ सारी टीचर्स बहने बैठी हैं, उनके सामने भी ये बात कही गई होंगी कि अब पढ़ाई करके क्या करना है, अभी दुनिया तो ख़त्म होने वाली है। कितने साल हो गया उस बात को भी, हाँ क्या कहेंगे बहन जी? तो दुनिया का विनाश कब होगा? वैसे देखा जाए तो एक दिन की बात नहीं है ये। जैसे एक मकान को गिराना होता है और हथौड़ा ही हमारे पास साधन हो, तो जैसे जैसे हम हथौड़े मारते जाएंगे, शायद हमें ज्यादा चोट लगेगी उस दीवार से, लेकिन धीरे धीरे उस दीवार को कमजोर करते जाते हैं। और जब बहुत सारे हथौड़े पड़ जाते हैं, उसके बाद वह ऐसी कमजोर होने लगती है कि फिर बस एक ही हथौड़ा, लास्ट में एक हथौड़ा पड़ता है और पूरी बिल्डिंग गिर जाती है। ठीक इसी समय बाबा के स्थापना का कार्य आरंभ होते ही दुनिया को भी हथौड़ा लगना शुरू हो गया था, है ना? चाहे दूसरे विश्व युद्ध के रूप में, और फिर समय प्रति समय हथौड़े अनेक लगते रहे, कभी कहाँ से, कभी कहाँ से, कभी कहाँ से, कभी प्रकृति ने हथौड़े लगाए, कभी मनुष्य ने हथौड़े लगाए, कभी किसने हथौड़े लगाए। लेकिन इतना जरूर है कि अब धीरे धीरे ये दुनिया की जो नींव है, कलियुगी दुनिया की नींव कहो या कलियुगी दुनिया की दीवारें जो है, अब ज्यादा कमजोर हो गई है। और इसलिए कोरोना वायरस के बाद तो और भी ज्यादा कमजोर हो गई है, क्योंकि कहा जाता है कि जैसे दुनिया में भी किसी के ऊपर जीत प्राप्त करनी हो तो सबसे पहले उसका मॉरल डाउन करना जरूरी है, है ना? और उसका मॉरल डाउन करो तो फिर उसके बाद उसके ऊपर जीत प्राप्त कर सकते हैं। तो माया ने भी ये कार्य किया है कि दुनिया को जिस तरह से चरित्रहीनता की खाई में ले जा रही है, कि आज उसको देखते हुए हर कोई ये कहता है कि बस अब भगवान कुछ करे। अब जैसे हर इंसान का मॉरल डाउन होता जा रहा है, ये कोरोना वायरस और लॉकडाउन ने भी कितने लोगों का मॉरल डाउन कर दिया है, और उस कारण से कई लोग कोरोना से नहीं मरे, उस भय से मरे।
जो दुनिया में कहा जाता है। और आगे भी जो बातें आएंगी उससे और लोगों का मॉरल डाउन होना ही है, ये स्वाभाविक है। तो एक जैसे अंदर से हथौड़े पड़ रहे हैं, एक बाहर से भी हथौड़े पड़ रहे हैं। अंदर से मॉरल डाउन करने के हथौड़े हैं और बाहर से अनेक प्रकार के आपदाओं का, अनेक प्रकार के परीक्षाओं का जो हथौड़े लग रहे हैं। तो उससे जैसे अभी धीरे धीरे कमजोर हो गई है ये दीवारें, और इसीलिए समय यही बता रहा है कि अब बहुत जल्दी ये दीवारें गिरने वाली है। लेकिन दूसरी ओर जो कहा जाता कि अपना अंतिम समय, अपना अंतिम समय तो कभी भी आ सकता है, और इसलिए ऐसे समय से पहले कौन सी स्थिति चाहिए और उसके लिए क्या पुरुषार्थ होना चाहिए। तो अगर बाबा की स्थिति को देखा जाए या दादियों की स्थिति को देखा जाए, और जो बाबा ने अनेक अव्यक्त मुरलियों में हम सभी बच्चों को इशारे दिए हैं, तो अंतिम समय के लिए जो स्थिति की आवश्यकता है कि ब्रह्मा बाबा के जीवन में अगर देखा जाए तो लास्ट स्टेज संपूर्णता की वो है कर्मातीत स्थिति। कर्म योगी भी रहे और कर्म योगी स्थिति से कर्मातीत अवस्था को प्राप्त किया, कर्मातीत स्थिति बनाई। दूसरा, जैसे बाबा के जीवन को देखते हुए जो अनुभव सुने हैं उसके माध्यम से कि बाबा की अंतिम समय की जो स्थिति थी वो थी डबल लाइट फरिश्ता स्टेज। कि बाबा जब आंगन में चलते थे तो दादियां बताती थी कि बाबा की इतनी गहन साइलेंस की स्टेज होने के कारण जैसे पास होते थे तो ऐसे लगता था एक बादल पास हो गया, इतनी लाइट अवस्था थी बाबा की। बाबा के चेहरे से वो लाइट, वो प्रकाश चारों ओर फैलता था, ये स्थिति बाबा की थी। और इस स्थिति का कारण था कि बाबा ने कैसे ये स्थिति बनाई, उसके लिए क्या अभ्यास किया, क्या पुरुषार्थ किया, जो बहुत काल का अभ्यास था बाबा का। तो जब दादियां सुनाती है कि बाबा को हम कोई बात सुनाने जाते थे तो कभी कभी ऐसा लगता था बाबा है ही नहीं, हमारी बात नहीं सुन रहे हैं। लेकिन जब बाबा से पूछते थे, बाबा हमने जो सुनाया आपने सुना, और बाबा पूरा एसेंस बता देते थे कि हाँ बच्ची ये बात आपने कही। क्योंकि बाबा इतने सार स्वरूप में स्थित हो जाते थे के बच्चों के बातों का सार कैच कर लेते थे, और जो विस्तार की बातें थी वो बाबा अनसुना कर देते थे। तो डबल लाइट स्टेज का आधार था सार स्वरूप का अभ्यास, व्यर्थ से ऊपर। व्यर्थ में बाबा की तो वैसे भी संकल्प नहीं चलते थे, वैसे भी बाबा व्यर्थ से सदा मुक्त रहे, और बाबा को फुल स्टॉप लगाना बहुत आसान था।
क्योंकि कभी क्वेश्चन मार्क उत्पन्न ही नहीं हुआ। हम लोगों के लिए डिफिकल्ट इसीलिए लगता है क्योंकि बीच बीच में क्वेश्चन उत्पन्न हो जाता है, इसीलिए उस बिंदी लगाना, बिंदी बनना मुश्किल लगता है। लेकिन बाबा का बिंदी लगना और बिंदी बनना बहुत सहज नेचुरल था, क्योंकि बाबा के जीवन में कोई क्वेश्चन ही नहीं था। भले बाबा के सामने कोई एग्जाम्पल नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी बाबा को क्वेश्चन उत्पन्न नहीं हुआ। हमारे सामने बाबा, मम्मा, इतनी दादियां एग्जाम्पल होने के बावजूद भी इतनी बाबा की अव्यक्त मुरलियां, साकार मुरलियां अध्ययन करने के बावजूद भी हमारे मन में अनेक सवाल है, और इसीलिए इन सवालों में, इन टेढ़े रास्ते पर जब जाते हैं तो बिंदी लगेगी कहां से। परम आदरणीय गुलजार दादी के जीवन में बाप समान स्थिति इसीलिए क्योंकि उनके जीवन में भी कोई क्वेश्चन ही नहीं था, कोई सवाल ही नहीं। क्या हम सबसे पहले अपनी स्थिति ऐसी बनाए, नो क्वेश्चन, ये हो सकता है? जिस दिन हमारे मन में कोई सवाल नहीं, उस दिन हमारी बिंदु रूप स्थिति सहज बन जाएगी। और इसीलिए बाबा ने कई बार ये इशारा दिया, बच्चे आदि का पाठ सो अंत का पाठ। आदि का पहले दिन का पाठ भी आत्मा था और लास्ट का पाठ भी आत्मा है। अंतिम समय में अंतिम प्रश्न जो होगा, पेपर जो होगा, उसका टाइम भी बाबा ने बताया है 1 सेकंड। और 1 सेकंड के लिए तो बिंदी स्थिति ही चाहिए, बीज रूप कहो, बिंदी स्थिति ही चाहिए। अगर उसका अभ्यास नहीं है तो अंतिम समय में, उस स्थिति में, 1 सेकंड में वो स्थित होना मुश्किल हो जाएगा। वो एक हंसी की बात याद आती है कि एक बार एक व्यक्ति को कहा गया कि भाई अंतिम समय भगवान का नाम याद रहे उसका बेड़ा पार हो जाएगा। तो उसने सोचा अंतिम समय भगवान का नाम याद रहे तो उसके लिए क्या करूं मैं। तो उसने सोचा अंतिम घड़ी तो बच्चों की याद ज्यादा रहती है, तो ऐसा करता हूं मैं बच्चों का नाम ही भगवान के नाम से रख देता, है ना। तो एक का नाम राम रखा, एक का नाम कृष्ण रखा, एक का नाम शंकर रखा। 3 बेटे थे, तीनों का नाम रख दिया ताकि बोले सारा दिन उनके नाम बुलाने से और अंतिम समय अगर वही नाम मुख से निकला तो नेचुरल है कि गति सदगति हो जाएंगी हमारी। तो सारा जीवन तो बच्चों को इसी नाम से बुलाते रहा, पक्का भी कर लिया अंदर में, लेकिन और अभ्यास भी तो साथ में होते हैं। तो जब उसकी अंतिम घड़ी आई, उसको लेटा दिया गया, तो उसने पूछा राम कहाँ है। राम खड़ा हो गया, पिताजी मैं यहीं हूं, बाबूजी मैं यहीं खड़ा। अच्छा, फिर कृष्ण कहाँ है। कृष्ण भी हाजिर हो गया, बाबूजी मैं यहीं हूं, आप निश्चिंत रहिए। अच्छा, शंकर कहाँ है। शंकर भी हाजिर हो गया, बाबूजी मैं यहीं हूं। कि तुम तीनों अगर यहां है तो दुकान पर कौन है। और प्राण निकल गया। तो लास्ट में क्या याद आया, दुकान ही याद आई। तो इसी तरह बाबा भी हम बच्चों को कहते, अंतिम समय मिलना है 1 सेकंड का,
और उस सेकंड में भी क्या हम बिंदी स्थिति में स्थित हो सकते हैं? तो कितने समय का ही अभ्यास चाहिए जो ये स्थिति हमारी बन जाए। इसीलिए आदि का पाठ भी आत्मा तो अंत का पाठ भी आत्मा और एक सेकंड तक की हमारी स्थिति होनी चाहिए, ऐसा हमारा पुरुषार्थ हो। तो जो कहा कि एक तो डबल लाइट रहना चाहिए, बिंदी स्वरूप की स्थिति और कर्मातीत स्टेज, ये अंतिम स्थिति है। अब उसके लिए पुरुषार्थ क्या है? जो पुरुषार्थ हमें करना है, मुख्य बातों का जो पुरुषार्थ अंडरलाइन कराती हूं मैं आज, कि सबसे पहले तो पांच बातों का पुरुषार्थ। कर्मातीत अगर मुझे बनना है तो पांच बातों के ऊपर जीत प्राप्त करना, ये बहुत समय से जीत प्राप्त की हुई स्थिति हो हमारी, ये अभ्यास हो, पुरुषार्थ हो हमारा। सबसे पहले जो बाबा कहते कर्मेंद्रिय जीत, कर्मातीत बनने के लिए कर्म योगी भी हम तभी कहलाए जाएंगे जब कर्मेंद्रिय जीत होंगे। हमारी इंद्रियां कोई भी हमारे ध्यान को खींचने वाली ना हो, है ना। बार बार अगर हमारा ध्यान टूटता है कोई ना कोई इंद्रियों के कारण, उस इंद्रिय की चंचलता के कारण कहो, तो वहां स्वराज्य अधिकारी हम नहीं कहे जाएंगे और संपूर्ण स्वराज्य अधिकारी बनना आवश्यक है। तो इसलिए सबसे पहले पुरुषार्थ हमारा यही होना चाहिए कि हम कर्मेंद्रिय जीत कितना बने हैं। ये संपूर्ण कर्मेंद्रिय के ऊपर हमारा अधिकार कितना है। दूसरा जो कहा जाता है संस्कार जीत, बाबा ने कहा है हम बच्चों को कि बच्चे कभी कभी आपको लगता होगा कि हमने ये संस्कार के ऊपर जीत प्राप्त कर लिया, लेकिन जो उसके सूक्ष्म स्वरूप है क्या उसके ऊपर भी हमारी जीत हुई है? मान लो क्रोध, कई समझते हैं हमने क्रोध को तो जीत लिया, ये संस्कार को हमने जीत लिया, लेकिन अगर कोई बात आई और अधीर्यता आ जाती है तो ये भी तो सूक्ष्म में क्रोध का ही अंश है। कोई बात सहन नहीं होना ये भी तो क्रोध का ही अंश है। तो इसीलिए अंतिम समय में ये संस्कार रीअपियर हो सकते हैं, पुनः जागृत होकर के हमारे सामने आ सकते हैं। इसलिए ये देखना है कि उसके संपूर्ण सूक्ष्म अंशों के पर भी हमारी विजय है, ये देखना है। संस्कार जीत जब कहते हैं तो संस्कार जीत खाली नहीं, लेकिन अनेकों के साथ हमारे संस्कार मिलन की रास कितनी है। क्योंकि बाबा कहे कि भविष्य नई दुनिया में आप सभी रास करेंगे, लेकिन जब तक यहां संस्कारों की रास नहीं होती है तब तक वहां रास कैसे करेंगे। तो संस्कार मिलन की रास, कोई आत्मा कैसी भी हो
लेकिन उसके संस्कारों को देखते हुए या तो उसके प्रति रहम की भावना जागृत हो या तो उसके प्रति शुभ भावना जागृत हो, या उस संस्कार को देखते हुए हम विचलित ना हो, यह बहुत काल का अभ्यास चाहिए। आप सोचेंगे कि भाई फलाना व्यक्ति तो देखो ना कितना गुस्से में आकर के बोल रहा है, इसलिए मुझे गुस्सा करना पड़ रहा है, नहीं तो मैंने तो ये संस्कार के ऊपर जीत प्राप्त कर ली है। लेकिन ये 10 शब्द बोलेंगे तो मुझे 2 शब्द तो बोलना पड़ेगा ना। लेकिन बाबा हम बच्चों को वहां कहते हैं कि बच्चे इस ड्रामा को साक्षी होकर के देखो। आप सोचो दुनिया के अंदर कि मान लो कि रामलीला चल रही हो और रामलीला में रावण बड़ा ठंडा ठंडा बोलना या बहुत मधुर बोलना चालू करे तो क्या कहेंगे? ड्रामा में मजा ही नहीं आया, रामलीला में मजा ही नहीं आई। रावण का वो स्वरूप देख करके मजा आ रही है, अगर रावण मधुर बोलना चालू करे, रावण का पात्र निभाने वाला भी अगर मधुर बोलना चालू करे तो वो कोई हजम ही नहीं होती है बात, वो एक्सेप्टेंस ही नहीं है। लेकिन ऐसा होने के बावजूद भी जब राम इतना मधुर बोलता है तो उसके पार्ट को वो सूट करता है। ठीक इस समय उसी समय साक्षी होकर के अगर ड्रामा को उस रूप में देखे कि भाई कोई क्रोध कर रहा है, भाई ये रावण का पार्ट बजा, मैं राम का पार्ट तो बजाऊं? जरूरी थोड़ी है कि रावण के साथ मुझे भी रावण बनना ही है। रावण के सामने तो मुझे पार्ट ही राम का बजाना है। तो उसके संस्कार के कारण मेरे संस्कार, पुराने संस्कार जागृत क्यों करूं मैं? तो संस्कार जीत कहां तक बने हैं? किसी के संस्कारों को देखने के बावजूद भी वो मुझे विचलित न करे, इसको कहते हैं साक्षी दृष्टा का अभ्यास। कि ड्रामा की हर सीन को देखते हुए संस्कार जीत बनने के लिए साक्षी दृष्टा का अभ्यास बहुत आवश्यक है। तीसरा फिर है प्रकृति जीत, प्रकृति जीत होना। एक है स्वयं की प्रकृति, दूसरों की प्रकृति नेचर, अपनी नेचर दूसरों की नेचर, क्योंकि संस्कार के साथ ये बहुत गहरा संबंध रखती है, और बाहर की प्रकृति, है ना। तो अपनी नेचर पर जीत प्राप्त करनी है तो अपने अनादि नेचर या आदि नेचर को हमें इमर्ज करना है। प्रकृति जीत होने के लिए जो हमारी ओरिजिनल प्रकृति आत्मा की है, सातों गुणों की, उस सातों गुणों की प्रकृति को मुझे इमर्ज करना है। उस स्वरूप में स्वयं को स्थित करने का अभ्यास करना है। दूसरों की प्रकृति जीत होने के लिए दूसरे की प्रकृति, उसकी नेचर को देखते हुए भी हम उसको स्वीकार करें। एक्सेप्टेंस लेवल बहुत हाई होना जरूरी है, क्योंकि जब तक एक्सेप्टेंस नहीं है हम स्वीकार ही नहीं कर पाते हैं। बाबा ने भी हम बच्चों को हम जो है जैसे हैं वैसे स्वीकार किया ना, कितने अवगुण होंगे हमारे में भी। लेकिन बाबा ने कभी यह तो नहीं कहा कि इसमें यह अवगुण है इसलिए इस बच्चे को मैं स्वीकार नहीं करता हूं।
इसी तरह से हर एक की नेचर को जानते हुए समझते हुए उसको एक्सेप्टेंस, उसको स्वीकार करना, और स्वीकार करते हुए उसको सहयोग देना, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि जब तक उसको सहयोग, हो सकता है उसको थोड़ा सा सहयोग की आवश्यकता हो और उसकी वो नेचर बदल जाए, जैसे खड्डे में कोई पहिया गिरा हो, वो बैलगाड़ी का पहले के जमाने में जैसे भाई एक व्यक्ति निकालने का पूरा प्रयत्न कर रहा है, नहीं निकल रहा, कोई थोड़ा सा हाथ लगा देता है, निकल जाता है। हो सकता है इतना ही सहयोग की आवश्यकता हो उस आत्मा को, वो खुद भी प्रयत्नशील होगा उस नेचर को खत्म करने के लिए, उस नेचर के ऊपर जीत प्राप्त करने के लिए, परंतु थोड़ी सी एक्स्ट्रा मदद अगर उसको मिल जाए, सहयोग मिल जाए, तो शायद वह बहुत सहजता से उसके ऊपर भी जीत प्राप्त कर सके। तो इसीलिए आवश्यकता है कि दूसरों की नेचर को भी स्वीकार करते हुए उसके लिए सहयोगी बनना, और तीसरा है कि बाहर की प्रकृति जीत। परम आदरणीय गुलजार दादी के लिए यही अभी अनुभव शेयरिंग जब हो रहा था तो यही कहा कि दादी प्रकृति जीत थी। कहा कि एक बार जब मेगा प्रोग्राम था केरला में, कोचीन में मेगा प्रोग्राम था, और पूरा मेगा प्रोग्राम का सारा पंडाल आदि सब फाइनल तैयार हो गया था, और इतने जमा जम बारिश आने लगी, रुके ही नहीं। सोचा क्या करे, दादी जी भी पहुंच रही है और इतनी बारिश है और लोग बैठेंगे कैसे, इतना कीचड़ होने लगा है, कैसे बैठेंगे, क्या करेंगे। लेकिन दादी जी ने जैसे ही लैंड किया और पैर उस धरती पर रखा और बारिश बंद, और जितनी देर दादी रुकी वहां पर बारिश नहीं आई, और जैसे दादी निकली बारिश शुरू। ये प्रकृति जीत आत्मा, क्यों? क्योंकि प्रकृति को भी इतनी सकाश दी हुई है। बाबा कई बार हम बच्चों को मुरली में कहते, बच्चे बाबा अंत तक भी दाल रोटी खिलाने के लिए बंधा हुआ है। लेकिन मानो, एक बार गुलजार दादी से ये प्रश्न पूछा था किसी ने कि दादी मानो के इतनी बाढ़ आ जाए, पानी अंदर आ जाए घरों में और सब, और दाल रोटी तो क्या मना बनाने की वही ना हो, तो फिर कैसे बाबा दाल रोटी के लिए बंधा हुआ है कहेंगे। दादी ने बहुत अच्छी बात कही कि ऐसे समय पर बुद्धि की लाइन बहुत क्लियर चाहिए, क्योंकि अगर बुद्धि की लाइन क्लियर होगी तो बाबा आपकी रस्सी खींच लेगा और वतन में आपको शुभी रस पिला देगा, है ना। दाल रोटी तो क्या, शुभी रस ही आपको पिला देगा। जैसे शुरू में दादियां जब जाती थी ना वतन में, और जब शुभी रस पी करके आती थी ऊपर से, और फिर नीचे उनको कुछ खिलाने के लिए या खाने के लिए कहते थे, ये खा लो वो खा लो या ये पी लो ये जूस पी लो, ब्राह्मणियां जैसे दादी को पिलाने जाती थी, दादी ये जूस पी लो। अब जिसने शुभी रस पिया हो ऊपर, वो कहते थे इच्छा नहीं है, इच्छा नहीं है, इतना माना भरपूर हो गए थे कि ये पीने की इच्छा ही नहीं रही फिर उसके बाद। तो ऐसे ही अंतिम समय बाबा ऊपर दाल रोटी तो क्या, शुभी रस पिला करके आपको भरपूर कर देगा, सेटिस्फाइड कर देगा, जो नीचे आने के बाद दाल रोटी खाने की भी इच्छा नहीं होगी, है ना, और इस तरह से सरवाइव कर लेंगे। या तो दादी ने कहा
कि मान लो कि बाढ़ आ रही हो, प्रकृति जीत आत्मा उसको कहा जाता कि बाढ़ आ रही हो, लेकिन आपके पैर जहां हो वहां से आगे पानी ऊपर नहीं आएगा, ऊपर आ ही नहीं सकता, उसको कहते प्रकृति जीत आत्मा। और आप खुद दाल रोटी बना करके खाएंगे, है ना, ऐसे हालत में भी खा सकेंगे। तो इसीलिए कहा प्रकृति जीत। तो जिसने अपनी आंतरिक प्रकृति को जीता है, अपने नेचर के अंदर जो कमजोरियां हैं उसके ऊपर जीत प्राप्त की है, तो उसको बाहर की प्रकृति को भी सहज होगा सकाश देने के लिए। और उस प्रकृति को जीत करके भी अंतिम समय कोई ये नहीं कि एकदम बेचैनी में प्राण छोड़ना पड़े, बाबा की याद ही न रहे, लेकिन प्रकृति जीत आत्मा के लिए सहज हो जाए। चौथा जैसे कहा कर्मेंद्रिय जीत, संस्कार जीत, प्रकृति जीत, और चौथा क्या है, माया जीत। मन जीत कर्मेंद्रिय में आ जाते, सूक्ष्म स्थूल कर्मेंद्रिय, माया जीत, हर विकारों के ऊपर सहजता से जीत हो। माया भी हिम्मत न करे अंतिम समय हमारे सामने आने की, कि ये तो जीत आत्मा है और इस जीत आत्मा को मैं क्या के कर सकती हूँ। जैसे दादियों के जीवन को देखते हैं तो माया भी उनको अंतिम समय परेशान नहीं कर सकती है किसी भी स्वरूप से। और सहज ही अगर ये जीत है कर्मेंद्रिय संस्कार और प्रकृति जीत, तो वो माया जीत तो सहज हो जाती है। लेकिन इन सब का आधार निद्रा जीत है ना, भट्टी चल रही है ना, बिना निद्रा जीत के ये चारों जीत होना संभव नहीं है, है ना। इसीलिए कहा कि ये चारों बातों के ऊपर जीत होने के लिए निद्रा जीत होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि अभ्यास करने बैठते हैं और नींद आ जाती है ना। योग में बैठे हैं और नींद आ जाती है, अमृत वेले उठते भी है, बैठते हैं और नींद आ जाती है। तो इसीलिए जब तक निद्रा जीत नहीं है, उसके ऊपर अधिकार प्राप्त नहीं किया है, तब तक ये चारों बातों को जीतना असंभव है। इसीलिए ये विशेष पुरुषार्थ आवश्यक है अंतिम समय के लिए, है ना। दूसरी बात, तो पहला पुरुषार्थ ये है पांचों बातों पर जीत प्राप्त करना। दूसरा पुरुषार्थ है कि जो बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि अंतिम समय की तैयारी के लिए पहले स्वयं में देखो मेरा जमा का खाता कितना है, क्योंकि जीत प्राप्त कर लिया लेकिन अगर जमा ही नहीं है, बैंक बैलेंस ही नहीं है आपके पास में, तो आगे जाके भी क्या करेंगे। और तीन जमा के खाते की बात बाबा ने जरूर की है। पहली है स्वपुरुषार्थ से प्रारब्ध को जमा करना, प्रारब्ध के खाते को जमा करना, सेवा द्वारा पुण्य का खाता जमा करना, और तीसरा किसी को सुख देते हुए दुआओं का खाता जमा करना। तो ये तीन खाते मेरे भरपूर है, ये तैयारी चाहिए, क्योंकि बाबा कई बार इसीलिए कहते हैं
कि ये तीन खाते भी अगर नहीं है भरपूर, इतना बैंक बैलेंस भी नहीं है, तो यहां से जाकर के पद कौन सा मिलेगा। इसलिए ये तीन खाते भरपूर होना चाहिए। स्वपुरुषार्थ की जब बात करते हैं, अर्थात कि मेरी दिनचर्या में बाबा का श्रीमत का हाथ पकड़कर कितना चलते हैं, यही प्रारब्ध को जमा करता है। अमृत वेले से लेकर रात्रि तक जो बाबा ने हम बच्चों को श्रीमत दी है, उस श्रीमत पर मेरा कितना अटेंशन है। क्योंकि अक्सर माया वही परेशान करती है, या तो मन मत या पर मत के प्रभाव में लाने का। और पर मत के प्रभाव में जब आते हैं तो पर चिंतन पर दर्शन स्वाभाविक रीति से आ जाता है। जो हमारा जमा का खाता होने नहीं देता है, इसीलिए ब्राह्मण जीवन में चलने के बावजूद भी कई बार जो हमारी खुशी गायब हो जाती है, ये मीटर है चेक करने का कि भाई मेरी कहीं खुशी गायब तो नहीं हो रही है। जहां श्रीमत का हाथ छूटा तो वहां हमारी खुशी गायब जरूर होगी। तो इसीलिए आवश्यकता है कि ये जमा के खाते हमारे भरपूर हो। जैसे परम आदरणीय दादी जानकी हमेशा कहती थी, ये सीजन है दुआएं जमा करने की। जितनी दुआएं देते जाओ, दुआएं प्राप्त होती जाएगी। दुआएं देना माना हर आत्मा के प्रति शुभ संकल्प, शुभ भावना, शुभ कामना नेचुरल रूप में इमर्ज रहे। तो इसीलिए दुआओं का खाता बहुत आवश्यक है, क्योंकि अंतिम समय में ये दुआएं ही हमें हर प्रकार की परीक्षा को सहज पार करने में मदद करेगी। तो ये देखना है कि दुआओं का खाता मैंने इतना जमा किया है, पुण्य मेरा इतना है। जितना हमारा पुण्य का खाता भी ज्यादा होगा, उतना अंदर में आंतरिक भरपूरता का अनुभव करेंगे। तीसरी बात, तो ये तीन खाते जमा हमारे होने चाहिए, ये अभ्यास हमारा बहुत जरूरी है। तीसरा अभ्यास जो बाबा ने लास्ट संडे की मुरली चलाई, साइलेंस की शक्ति, अंतर्मुखी होने का अभ्यास। क्योंकि बाह्य मुक्तता में जितने हम रहेंगे, उतना ही हमारा आंतरिक अटेंशन कम हो जाएगा। तो इसीलिए अंतर्मुखी होने का अभ्यास जितना हमारा बना रहेगा, उतना सहज ही जमा के खाते भी बढ़ते जाएंगे। वो लीकेज नहीं होगा, जो जमा किया हुआ है लीकेज भी नहीं होगा। क्योंकि लीकेज तो बाह्य मुक्तता में आने से ही तो लीकेज हो जाता है। कहाँ व्यर्थ की बातों में आ गए, कहीं पर चिंतन में आ गए, कहीं पर मत के, तो वहां से लीकेज चालू हो जाता है, वो होल गिर जाता है, जिससे जो जमा किया वो समाप्त होने लगता है, बहने लग जाता है। इसीलिए बाबा हमेशा कहते हैं कि अपने ऊपर अटेंशन रखने के लिए अंतर्मुखी होना बहुत जरूरी है। अंतर्मुखता में जैसे स्थित होते हैं तो उस पर विशेष अटेंशन यही रहना चाहिए। कि कई बार अंतर्मुखी कहीं होते लेकिन अंदर में व्यर्थ ज्यादा चलता है। तो अंतर्मुखी जरूर होना है, लेकिन व्यर्थ भी नहीं चलना चाहिए।
है ना, व्यर्थ न चले, क्योंकि व्यर्थ जब चलता है तो बाबा जैसे कहते ये भी एक प्रकार की इंप्यूरिटी ही है। तो इसीलिए व्यर्थ को समाप्त करना, समर्थ संकल्प हमारे अंदर हो, जितनी हमारी स्थिति अंदर से समर्थी की होती जाएगी, शुद्ध संकल्प, समर्थ संकल्प जितने हमारे बढ़ते जाएंगे अंदर में, उतना व्यर्थ से मुक्त और अंतर्मुखता का रियल आनंद हम ले सकते हैं, नहीं तो ले नहीं सकेंगे। इसलिए अंतर्मुखी होना और साइलेंस की शक्ति को, एकांतवास होकर के साइलेंस की शक्ति को जमा करना, ये अभ्यास बहुत काल का चाहिए। जितना ये अभ्यास हमारा बहुत काल का होगा तो हमारी अंतिम तैयारियां करने के लिए सहज हो जाएगा। और चौथी बात लास्ट में जो सुनाती हूं कि अंतिम समय माया कोई ना कोई फाउंडेशन को हिलाने का प्रयत्न करेगी। ब्राह्मण जीवन के मुख्य चार फाउंडेशन है, जिन चारों फाउंडेशन को हमें बहुत पक्का करना है, है ना? सबसे पहला फाउंडेशन है ज्ञान योग का फाउंडेशन, क्योंकि माया पहले ज्ञान योग के फाउंडेशन को हिलाती है, पढ़ाई से हमारा नाता तोड़ेगी, या योग, व्यर्थ संकल्प चलाते हुए योग नहीं लगेगा। इसलिए ये पहले वाली बातें जो होगी तो फिर हमारा ज्ञान योग का मेन आधार जो है, ये फाउंडेशन है ब्राह्मण जीवन का, ये हिल नहीं सकता है, बहुत मजबूत हो जाएगा। दूसरा फाउंडेशन है निश्चय का फाउंडेशन। इसलिए निश्चय बुद्धि विजयंती जो कहा जाता है, तो निश्चय, चारों ही बातों का निश्चय हमारा मजबूत होना चाहिए। और ये मजबूत है, उसका प्रमाण कहीं पर भी सवाल नहीं होगा। आदि की बात फिर से अंत में आती है, क्वेश्चन मार्क नहीं हो सकता, ड्रामा की कोई सीन देख करके क्वेश्चन नहीं हो सकता, किसी आत्मा के पार्ट को देख करके क्वेश्चन नहीं हो सकता है, स्वयं के लिए कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता है, समय के लिए कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता है, क्योंकि जहां क्वेश्चन आया, माना ये नींव को हिलाने के लिए माया ने क्वेश्चन मन के अंदर खड़ा किया है, और ये क्वेश्चन धीरे धीरे कब संशय का रूप ले सकता है ये मालूम नहीं पड़ता है। इसीलिए क्वेश्चन आने ही ना दो, फुल स्टॉप, जो है कल्याणकारी है। बस कभी कभी हमें समय का इंतजार करना पड़ता है, बाकी कल्याण ही कल्याण है। भगवान कल्याणकारी, हम बाप के बच्चे बने हैं, हमारा कल्याण कैसे हो सकता है? हजार पूजा वाला बाबा मेरे साथ है तो हमारा कल्याण करने की हिम्मत किसकी हो सकती है, है ना? तो निश्चय का फाउंडेशन बहुत पक्का चाहिए। तीसरा फाउंडेशन पवित्रता का फाउंडेशन। ब्राह्मण जीवन का ये फाउंडेशन भी माया हिलाने का प्रयत्न करती है, इसलिए अंतिम समय ये प्योरिटी का फाउंडेशन जो बाबा ने इतना मजबूत कराया है हमारा, सूक्ष्म में भी मनसा में भी कोई संकल्प नहीं आवे, ये फाउंडेशन की नींव इतनी मजबूत हो, क्योंकि अंतिम समय जब माया दांव चलेगी तो कहीं ना कहीं अगर कोई कर्मेंद्रिय भी विचलित हो गई, सूक्ष्म ही अटैक है, ये जो फाउंडेशन है ये सूक्ष्म है, दुनिया इसीलिए तो असंभव समझती है इसको, लेकिन बाबा ने आए दिन पहले दिन से ही हमारा ये फाउंडेशन बहुत मजबूत कर लिया।
और उसके लिए जो अभ्यास हमें करा है कि तुम और आदि अनादि स्वरूप में पवित्र आत्मा हो, ये स्वमान इतना श्रेष्ठ हमें दे दिया, इस अभ्यास में हमें इतना लगा दिया जो बस ये फाउंडेशन हमारा कमजोर हो ही नहीं सकता है। और चौथा फाउंडेशन है अनुभव का फाउंडेशन। बाबा हमेशा कहते हैं अनुभवी बनो, ज्ञान की हर पॉइंट को प्रैक्टिकल प्रयोग करते हुए अनुभवी बन जाओ, क्योंकि जो अनुभवी होगा उसको माया कभी हिला नहीं सकती है। तो अनुभव का फाउंडेशन, हर चीज का अनुभव हो हमें। बाबा ने जितनी भी ज्ञान की गहराई बताई हुई है, त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित होकर के उस ज्ञान की पॉइंट का प्रयोग करते जाए हम अपने लाइफ में, जितना उसके प्रयोग में हम बिजी रहेंगे तो कभी भी, हर रोज एक नया अनुभव होगा, तो ब्राह्मण जीवन में कभी भी उदासी आ नहीं सकती है। आज अगर ब्राह्मण जीवन में मुरझाइश आ जाती है, मायूसी आ जाती है, उसका कारण क्या है? अनुभव की कमी। नहीं तो जिसके पास अनुभव हो वो कभी मायूस नहीं हो सकता है, मुरझाइश उसके जीवन में आ नहीं सकती है ना। तो इसीलिए ये मुख्य आधार जो है, चारों फाउंडेशन हमारे बहुत मजबूत होने चाहिए। जितने ये चारों ही फाउंडेशन हमारे मजबूत है, समय से पहले हमें खुद को इन फाउंडेशन के आधार पर देखना है कि कहाँ तक मजबूत है। और इन सब बातों को सार में अगर मैं समेट लूं, तो जैसे बाबा कहते हैं, मैं और मेरापन मैंने कितना जीता है, है ना? मैं और मेरापन, मैंपन जहां आया, बाबा ने हमें शुद्ध मैपन की स्मृति दिलाई है। उस शुद्ध मैपन में हम स्थित रहे, उस स्वमान में हम अपने आप को स्थित रहने का अभ्यास करते जाए, रोज विभिन्न शुद्ध मैपन का अभ्यास हो, तो हमारी आत्म अभिमानी स्थिति भी बढ़ती जाएगी, देही अभिमानी स्थिति भी बढ़ती जाएगी, और अंतिम समय वो एक क्षण जो आएगी, पास या फेल जिसको कहा जाए, वो सहज ही उस कौन सा मैं है उसके माध्यम से पता चल जाएगा। तो इसीलिए आवश्यकता है कि रूहानी मैं को हम बढ़ाएं और दैहिक मैं को हम समाप्त करें, ठीक है? तो ये विशेष अंतिम समय के लिए तैयारियां करने की आवश्यकता है।